हेलो एवरीवन, मैं आपका रीत आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एडल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने ऐप्स के लिए फीचर ग्राफिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फीचर ग्राफिक्स ऐप्स के लिए क्रिएट करना काफी इजी होता है, बट आपको ध्यान में रखना है फीचर ग्राफिक्स थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अट्रैक्टिव फीचर ग्राफिक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गूगल प्ले स्टोर ऐप के लिए फीचर ग्राफिक्स या फिर बैनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में सर्च करना होगा पिक्सल लैब। जैसे हम पिक्सल लैब सर्च कर देते हैं तो आपके सामने जो आइकन दिखाई दे रहा है पी का, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा एंड ओपन का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी इस पिक्सल लैब को डाउनलोड कर दिया, यहाँ पे इसलिए ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं अभी ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो जो न्यू टेक्स्ट को मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और बाद में ये जो थ्री डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और इमेज साइज पे सिलेक्ट करना है और जो आपका फीचर ग्राफिक्स का साइज होता है यहाँ पे एंटर कर देना है, जो कि होता है 1024। 2 मिनट, आपको यहाँ पे सबसे पहले एंटर कर देना है बीटीस के 1024 आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड यहाँ पे 500 एंटर कर देना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका फीचर ग्राफिक्स का यहाँ पे सेव आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है अभी एंड अगेन हमें अभी हमने पिक्सल लैब डाउनलोड किया है वैसे हमें बैकग्राउंड इरेजर ऐप को डाउनलोड करना है। बैकग्राउंड इरेजर करके हमें सर्च करना है। जैसे हम बैकग्राउंड इरेजर को सर्च करेंगे तो जो आपको ये 4.6 की रेटिंग दिख रही है इस बैकग्राउंड को इरेजर को आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर बाद में डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे ओपन ऑप्शन दिखाई देगा, तो मैं अभी इसको ओपन कर देता हूँ इस ऐप को। जैसे मैं आपको ओपन करता हूँ तो बैकग्राउंड इरेजर का यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले नेट बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत एडवर्टाइज दिखा सकते हैं इस ऐप में, इसलिए मैं यहाँ पे नेट बंद कर देता हूँ। अभी हम सबसे पहले लोड और फोटो पे क्लिक करेंगे एंड जो भी आपके स्क्रीनशॉट है प्ले स्टोर ऐप के लिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, कोई भी 3। अगर आपको पता नहीं कि स्क्रीनशॉट कैसे बनाते हैं तो मैं आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि स्क्रीनशॉट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी 3 स्क्रीनशॉट यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। तो मैं सबसे पहले एक एक करके हमको बैकग्राउंड इरेजर में इसको एडिट करना है। तो मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर देता हूँ एक कोई भी स्क्रीनशॉट को, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर दिया एंड डन पे क्लिक कर दिया है। अभी हम जो ऑटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड जो बैकग्राउंड इरेजर को हमें कट करना है उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं एंड अभी हम मैनुअल पे क्लिक कर देते हैं एंड इसका साइज़ इंक्रीज कर देते हैं एंड जो वेट लॉस है टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसको हम कट कर देते हैं। ये होने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे तो ये जो 0 1 2 3 4 5 हमें 5 पे क्लिक कर देना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है एंड अगेन अभी हमें फिनिश पे क्लिक कर देना है। हमें अगेन ऐसे 2 स्क्रीनशॉट बना देने हैं। लोड ऑफ फोटो पे क्लिक करेंगे एंड कोई भी अगेन एक स्क्रीनशॉट सिलेक्ट करेंगे एंड डन पे क्लिक कर देंगे एंड ऑटो के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे वो खुद ब खुद कट हो जाएगा एंड अगेन हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे एंड इसका साइज इंक्रीज कर देंगे एंड वेट लॉस को कट कर देंगे एंड अभी हम डन पे क्लिक करेंगे। अगेन हमें स्मूथ में 5 पे जाना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है एंड अगेन हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अभी हम लोड ऑफ फोटो पे क्लिक करेंगे एंड कोई भी अगेन एक इमेज स्क्रीनशॉट सिलेक्ट करना होगा एंड डन पे क्लिक करना होगा एंड ऑटो में जाके बैकग्राउंड कट करना होगा एंड मैनुअल में जाके साइज इंक्रीज करना होगा एंड वेट लॉस को कट करना होगा एंड डन पे क्लिक करना होगा एंड अगेन स्मूथ में 5 में क्लिक करना होगा एंड सेव में क्लिक करना होगा एंड फिनिश पे अगेन क्लिक करना होगा। तो हमारे अभी 3 स्क्रीनशॉट बन चुके हैं। अभी हम पिक्सल लैब में चले जाते हैं, जो हमने पिक्सल लैब डाउनलोड किया था एंड उसको थोड़ा एडिट किया था इमेज साइज उसमें हम चले जाते हैं एंड जो आपको ये 3rd ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा एंड इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना होगा। जो हमने
स्क्रीनशॉट डाउनलोड किए थे इरेजर में, जो हमने बैकग्राउंड कट किए थे उसको हमें एक एक करके इंपोर्ट करना है। लास्ट 30 डे में चले जाते हैं जो हमने अभी अभी बैकग्राउंड इरेजर से कट किए थे। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड ओके पे क्लिक करना है। राइट पे यहाँ पे हम ऐसा रखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको 4th पे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, एंड कलर में जाके आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक कलर एंड एक ग्रेडियंट। आप कोई भी यहाँ से ग्रेडियंट कलर बना सकते हो, आपको बहुत सारे यहाँ पे कलर मिल जाएंगे। मैंने एक ऑलरेडी एक ग्रेडियंट बना दिया है, उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हो आप ग्रेडियंट सिलेक्ट हो चुका है जो कि इसका बैकग्राउंड है। अभी मैं अगेन 3rd पे चले जाता हूँ एंड इम्पोर्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने एक इमेज को इम्पोर्ट किया वैसे हमें अगेन 2 इमेजेस इम्पोर्ट करना है। तो मैं अगेन कोई भी 2 स्क्रीनशॉट इंपोर्ट कर लेता हूँ जो हमने बैकग्राउंड इरेजर से बनाए थे, एंड यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। इसको सेव थोड़ा चेंज कर देता हूँ एंड इसका थोड़ा अगेन इसका भी बढ़ा देता हूँ, एंड अगेन हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एंड अगेन कोई भी जो बैकग्राउंड इरेजर लिए थे हमने जो बैकग्राउंड से किए थे कट, उसको अगेन एक कोई भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अगेन मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ एंड डन पे क्लिक कर देता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ एंड इसको साइड में करके इसको ऐसा कर देता हूँ। इसका थोड़ा अगेन साइज़ डिक्रीज कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आपको इसको फिक्स करना है, तो मैं इसको अभी थोड़ा फिक्स कर देता हूँ। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट में जाना है एंड एक फोटोज में आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी URL प्रोवाइड करूँगा PNG की, वो आपको डाउनलोड कर देनी है। या फिर आप डायरेक्टली गूगल से एक ये PNG आप डाउनलोड कर सकते हो गेट इन ऑन गूगल प्ले करके, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ एंड गेट इन ऑन गूगल प्ले को आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हो। इसको थोड़ा साइज में डिक्रीज कर देता हूँ। एक तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे इस इमेज की, या फिर आप डायरेक्ट गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देख सकते हो हमारा बैनर हमारा कंप्लीट अभी बन चुका है। अभी हमें क्या करना होगा, ये 3 डॉट पे क्लिक करना होगा एंड एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना होगा एंड सेव टू गैलरी पे क्लिक करना होगा। जैसे हम सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप गूगल प्ले कंसोल के लिए फीचर ग्राफिक्स बना सकते हो या फिर बैनर बना सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि अपने ऐप्स के लिए अट्रैक्टिव फीचर ग्राफिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।